वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर। सो एज यू ऑल नो कि सैमसंग का जो अगला मेजर अपडेट आने वाला है वो है वन यू 4.0 अलोंग विद एंड्रॉइड 12। एंड इसका जो बीटा प्रोग्राम का जो अपडेट है वो यहाँ पर सितंबर पर ही इंडिया पे लॉन्च होने वाला था, सितंबर के लास्ट वीक तक। लेकिन गाइस कुछ यहाँ पर कारणों की वजह से ये जो लॉन्च है इसको डिले कर दिया गया है। सो आज का जो वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस आपको ये भी बताएंगे कि कब तक यहाँ पर इंडिया पे लॉन्च हो सकता है, यानी 4.0 का जो अपडेट है वो इंडिया में कब तक आ सकता है, एंड इसके रिलेटेड क्या नए फीचर्स आपको दिया गया है इसके बारे में भी आज आपको बताएंगे। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट रन ने क्लियरली यहाँ पर ट्वीट किया है, नो वन यूर फोर बीटा टूडे एंड इट हैज़ बीन डिलेड। एंड इनका जो ट्वीट है यहाँ पर 9 सितंबर को आया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट रन ने क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो वन यू फोर का जो अपडेट है वो यहाँ पर डिले कर दिया गया है। एंड यस, ये डिले हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट मिलने वाला था वो यहाँ पर साउथ कोरिया में मिलने वाला था, लेकिन साउथ कोरिया में एज ऑफ टुडे दैट इज 12th ऑफ सितंबर कोई भी सैमसंग का फोर का यानी वन यू 4.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर नहीं आया है। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये जो फ्रंट रन है ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, जो सैमसंग के यहाँ पर अपडेट्स लेते वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, लेकिन इनका जो सोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर बताया कि वन ईयर फोर का जो बीटा है वो यहाँ पर डिले कर दिया गया है। एंड बात करें कि इंडिया पे कब तक आ सकता है, तो गाइस जैसे कि वो बताया कि सैमसंग का जो सबसे पहले जो अपडेट होता है या फिर किसी भी अपडेट को जो रिलीज़ किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले साउथ कोरिया में रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पर इंडिया पे या फिर जर्मनी पे या फिर यूके में यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। सो आई होप कि यहाँ पर जो अपडेट्स है शायद यहाँ पर साउथ कोरिया में सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। जितने भी यहाँ पर सैमसंग के S21 के सीरीज़ के लाइनअप के स्मार्टफोन हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद आई होप कि यहाँ पर अक्टूबर के सेकंड वीक तक इंडिया पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, इट मे बी इट मे नॉट बी, लेकिन होपफुली करते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक के अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिले। बात करते हैं कि नए फीचर्स के बारे में, तो गाइस और एक ऑथोराइज्ड यहाँ पर सोर्स है जो कि आईस यूनिवर्स, उन्होंने आप बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ईयर फोर बीटा अलाउज यू टू एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द UI ऑफ द लॉक स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि जो लॉक स्क्रीन होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी आपको बता दूँ कि ये सपोज ये लॉक स्क्रीन है, इनका जो ट्रांसपेरेंसी होगा उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सो ये सबसे पहले यहाँ पर मेजर अपडेट रहेगा। सेकेंड जो अपडेट आने वाला है वो है कि दिस वन यू फोर बीटा न्यू चार्जिंग एनिमेशन। सो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग एनिमेशन जो सैमसंग का आप जब भी यहाँ पर प्लग इन करोगे चार्ज करने के लिए तब आपका एनिमेशन कैसा पॉपअप करेगा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये दो यहाँ पर लीक्स आए हैं 4.0 वन यू के लेकर। सो सबसे पहले कि एनिमेशन है, एंड सेकेंड यहाँ पर जो लीक्स है वो है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी यानी लॉक स्क्रीन का जो ट्रांसपेरेंसी उसको लेकर है। सो आपको मैंने बता दिया कि कब तक इंडिया पे आ सकता है, एंड जो डिले का न्यूज़ था वो भी आपको मैंने बता दिया, एंड दो जो फीचर्स हैं वो भी आपको उन्होंने बता दिया। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, एंड वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि वन यू 4.0 का जो बीटा है वो यहाँ पर थोड़ा सा लेट होने वाला है। सो कोई टेंशन नहीं, जब भी आ जाएगा मैं आपको बीटा प्रोग्राम यहाँ पर इंस्टॉल देख करके मैं आपको दिखाऊंगा। एंड आपके पास अगर यहाँ पर सैमसंग के हाइस्ट जो फ्लैगशिप है S21 के सीरीज का स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो वह सबसे पहले बीटा आपको उसमें आ जाएगा। एंड जितने भी यहाँ पर लो एंड मिड रेंज एंड हाई एंड डिवाइस है सैमसंग अदर फोन्स अदर देन यहाँ पर S21 सीरीज उनमें भी ये अपडेट आ जाएगा। एंड उसके रिलेटेड मैं डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो आप चाहे तो उसका लिंक जो है यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चेकआउट जरूर करना। सो चलिए आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए क्वालिटी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मैं सैमसंग रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। सो चलिए मिलते हैं सारे वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर गाइज़।